हेलो दोस्तों, आरबीसी टेंथ बोर्ड एग्जाम 2022 31 मार्च 2022 से आरबीसी टेंथ बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है और फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ, यानी क्या पढ़ना है यही क्वेश्चंस बताओ जो यहाँ पर आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो आपके सामने मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूँ और इन्हीं में से आपका बोर्ड का एग्जाम सुबह जो है आपका प्रश्न पत्र बनने वाला है, जो कि राजस्थान बोर्ड एग्जाम्स के द्वारा यहाँ पर ऑफिशियली दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम पैसेज की। ठीक है, यहां पर मैं आपको लगभग 6 से 7 पैसेज बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके 31 मार्च 2022 में, वो आपको पैसेज मिल सकते हैं। आपको ऐसे ऐसे मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, जो क्वेश्चंस यहां पर जो है आपके लेसंस के कौन कौन से क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताऊंगा, लगभग 20-25 क्वेश्चंस बताऊंगा जिसमें से 100% 10 और 15 प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो यहां पर शुरू हो चुका है आगाज, यानी अब जो है आपके पास टाइम नहीं है, अब आपको जो है एक स्मार्ट स्टडी करते हुए अच्छे से अच्छे स्कोरिंग आपको प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेज है, वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लाइक राइनोसेरस एलिफेंट और डियर ट्राई टू फाइंड ए पैलेस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दिया था, चाहे कोई भी पैसेज आए ये पैसेज इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये का ये हुबहू आपको पेपर में मिल सकता है। लेकिन मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, कोई भी पैसेज आए तो आपको हल करने का क्या तरीका रहेगा, यानी पैसेज से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके हल करने का मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूं और अलग से भी मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो पैसेज को सबसे पहले तो अच्छी तरीके से एक बार जैसे तैसे आपको क्या करना है, रीड करना है। एक बार जैसे तैसे समझ बिना समझे आपको क्या करना है, इस पैसेज को एक बार रीड करना है, यानी उसके डिक्शनरी से आपको क्या करना है, नॉन हो जाना है। ठीक है, अब यहां पर देखना है क्वेश्चंस, यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, यहां पर आप देख सकते हैं विच एनिमल्स ट्राई टू फाइंड ए पैलेस प्लेस वेयर साल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा, यानी इसमें जो मेन वर्ड है उसको आपको क्या करना है, देखना है। तो इसमें मेन वर्ड है प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, यानी यहां पर आप देख सकते हैं ये जो आपको यहां पर मिल जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा, तो ये जो लाइन है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको। फिर ये की जो लाइन है वो आपको आंसर में लिखनी है। आंसर लिखने का मैंने तरीका भी बता दिया था, यहां पर आपको क्वेश्चंस मार्क्स डालने हैं कि ये तो क्वेश्चन से जो हाशिया होता है उसमें आपको क्वेश्चंस नंबर डालने हैं, फिर यहां पर इसमें लिखना है कि इस पहले का जो आंसर है वो ये होगा। ठीक है, अब यहां पर जो है आपको जो है यहां पर जो क्वेश्चन है ये दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है, लेकिन आपको वहां पर ऑप्शंस मिलेंगे। अच्छी बात है कि आपको वहां पर क्या मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, पैसेज की जो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस पूछा गया है, इसमें आपको ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, ये नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार है। तो यहां पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उन ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना है कि ए सही है या बी सही है, जो यहां पर लाइन है वो आपको लिखनी होगी उस पैसेज में चूज करनी। तो अच्छा तरीका है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट जो है पैसेज है। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूं। फिर यहां पर आप देख सकते हैं व्हिच मीन फ्लैश ईटिंग। अब यहां पर जो है एक तो होता है ईटिंग, ईटिंग का अर्थ आप सभी को पता होगा क्या होता है, खाना, क्या होता है, खाना। ठीक है, अब यहां पर बताया गया है फ्लैश ईटिंग, फ्लैश यानी मांस जो होता है वो खाने वाला। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कौन सा शब्द है जो मांस खाने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहां पर आप सभी को पता होगा, यहां पर आप देख सकते हैं ऑल कार्निवरस। ठीक है, ये जो है इसका अर्थ होता है मांसाहारी, क्या होता है, मांसाहारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको यहां पर ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप अच्छे से उनको क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जंगल, अब जंगल के लिए और कौन सा मीन्स यहाँ पर आया है, तो आपके सामने होगा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल। ठीक है, और यहाँ पर आ चुका है जंगल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पैसेज को हल करना है। तो बेस्ट तरीका मैंने बताया, इससे बेस्ट ट्रिक कोई नहीं है पैसेज को सॉल्व करने की, चाहे कोई भी कहाँ से भी आपको पैसेज दे सकते हैं। 3 से 4 पैसेज आएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है कि लगभग आपके 15-20 नंबर जो है सिर्फ और सिर्फ पैसेज के पक्के होने वाले हैं, और मैंने वो आपको पक्के करवा लिए। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट, यहां पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से ये का ये पैसेज है, इनमें भी आपको यहां पर ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, ये खिजड़ीली जो आंदोलन हुआ था उससे संबंधित यहां पर जो है क्वेश्चंस है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर जो है जो मींस दिए गए इनका भी आप आसानी से देख सकते हैं, इनमें देखकर आप यहां पर बता सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट यहाँ पर पैसेज देख सकते हैं, बहुत सारे पैसेज है वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इनमें आपको ऑप्शंस ही मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा लेसन्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आ सकते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पेपर में आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पैराग्राफ है, एप्लीकेशन है, सब कुछ बताऊंगा। तो बस इसको वीडियो को पेशेंस बना के अंत तक देख। अब आपके सामने एग्जाम में जो है आपको 31 मार्च 2022 के पेपर में कुछ इस प्रकार के भी आपको पैसेज जो है इस पैसेज टाइप में भी आपको पैसेज मिलेंगे, तो उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है आपको थोड़ा बड़ा जो यहाँ पर पैराग्राफ मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आफ्टर द एम्परर हैड लेफ्ट ए क्राउड ऑफ पीपल केम टू सी मी, आई वॉज ए नोवेल्टी इन दैट आइसलैंड बिकॉज दिस पीपल हैड नेवर सीन समवन ऑफ माई साइज बिफोर। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पूरे पेपर जो पैराग्राफ है, जो पैसेज है, उसको रीड करना है अच्छे तरीके से, यहां पर आपको अच्छे से रीड करना है इस पूरे को ठीक है। फिर यहां पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको एक बार देखना है कि व्हाई डिड क्राउड ऑफ पीपल कम टू सी द ऑथर, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको एक बात बता दी है, जो मेन वर्ड है ना उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो यहां पर मेन वर्ड है क्राउड ऑफ पीपल, क्या है क्राउड ऑफ पीपल, और ये का ये आपको जो है वर्ड मिलेगा। आपको न तो क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत है, न क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है, और ना आपको कुछ करने की जरूरत है, यही का ये जो आपको मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राउड ऑफ पीपल, और ये इसकी जो लाइन है वो इसका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आफ्टर ना लिख के आपको द एम्परर से शुरू करना होगा। तो बस थोड़ा सा आपको दिमाग अपने माइंड को थोड़ा सा एक्सेस करने की जरूरत है, और बाकी आपको स्मार्ट स्टडी करते हुए इन पैसेज को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं वेयर डिड द एरो शूट द स्पीकर, ठीक है। अब एक तो क्या तरीका होगा यहाँ पर इस पैसेज को पढ़े, तो आप अच्छी तरह से हिंदी में पढ़िए, मतलब हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना होगा। लेकिन आपको बिना यदि हिंदी आपको ट्रांसलेट करना नहीं भी आता है, मैं आपको एकदम सॉल्यूशन एकदम सिंपल आपको नॉर्मल जो है वे बताने वाला हूं, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं व्हाट डिड एम्परर डिसाइड, ठीक है, तो क्या डिसाइड किया, ठीक है। तो यहां पर ये जो मेन वर्ड है एम्परर डिसाइड, एम्परर का अर्थ होता है साम्राज्य, क्या होता है साम्राज्य, ठीक है। यहां पर डिसाइड, तो डिसाइड यहां पर आप देख सकते हैं डिसाइड कहां पर आया है, तो वो आप यहां पर आप देखकर इसको क्या कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन मतलब आंसर जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे यहां पर पैसेज दिए गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसकी आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी rjstudymonitor.com, ठीक है। वहां पर इस सबकी यहां पर आपको पूरी की पूरी जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे लेसन से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से इन क्वेश्चंस को एक बार नोट कर दीजिए, आप अपनी सब जो है नोटबुक ओपन करें और उसमें ये क्वेश्चंस एक बार लिख के और फिर इनके आंसर आप खुद जो है अपनी जो गाइड है उससे लिखे, और फिर सभी जो ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके आंसर एक बार आप याद कर दे रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई वॉज इट डिफिकल्ट टू रोग अनिल, ठीक है, हाउ डिड द साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल, काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से यहां पर जो है आपके लिए जो पिछली बार जो है लगभग यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे इसी पेपर से, तो यहां पर ये जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको एक बार आप नोटबुक में नोट कर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं व्हाट डिड अन्ना डिटरमाइन टू डू आफ्टर द नाइटमेयर, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं, और 100% 31 मार्च 2022 के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में 100% ये जो पेपर जो है सपने वाला है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। तो मैं आपको क्वेश्चन जो नोट करवा रहा हूं आप एक बार नोट कर दी सभी, यहां पर आप देख सकते हैं व्हाइट वुड डिड दुर्सन अगा अर्न हिज लिविंग, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकता है। और बाकी यहां पर आप देख सकते हैं हाउ कैन द बॉडी सिग्नल्स हेल्प इन अचीविंग गुड हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए कौन कौन से सिग्नल्स है जो हमारे लिए सहायक है, तो कैसे यहां पर सहायक है वो, तो उसके बारे में आपको लिखना है। यहां पर आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन जो है 4 marks का रहने वाला है, यानी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं व्हाई डिड द ओल्ड मैन सिट बाय द साइड ऑफ द रोड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं ये बहुत सारे क्वेश्चन है, व्हाट डज द वाइज ऑफ उतंका मिस्ट्रेस, ठीक है, यहां पर उतंक मिस्ट्रेक,
मिस्ट्रीज, ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से जितने भी यहाँ पर वैसे क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार आप सभी, जो मैं आपको यहाँ पर ड्रैग करते हुए नीचे लेकर चल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप नोट कर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से भी एक आएगा, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ बोली, यानी एक के कैरेक्टर के बारे में पूछा जाएगा, तो उसके कैरेक्टर को आपको जो है बताना है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाई वाज इट डिफिकल्ट टू रोप अनिल, ठीक है, ये वापस आ रहा है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन द टॉपिक लाइव विदाउट न्यूज़पेपर, इस टॉपिक पर क्या करना है आपको 75 वर्ड्स में क्या करना है आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां पर आपको हिंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये हिंट्स है, ठीक है, ये जो आउटलाइन है वो दी गई है, इन आउटलाइन को यूज करते हुए आपको इस पैराग्राफ को राइट करना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 100%। यहां पर इन इस पेपर को नॉर्मली आपको नहीं लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से एक दूसरा दिया गया है पैराग्राफ कि एन आइडल टीचर, ठीक है, इसके बारे में भी आपको पैराग्राफ लिखने को कह सकते हैं। यहां पर दी गई है आउटलाइन, कुछ हेल्पलाइन दी गई है, तो इनको यूज करके आपको लिखना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ पैराग्राफ दिए गए, यहां पर आप देख सकते हैं इनको फॉलो करना है और फिर आपको क्या करना है, पैराग्राफ राइट करना है इस पिक्चर को समझकर, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं क्या दी गई है, ट्रैफिक लाइट दी गई है, ठीक है, क्रॉस द रोड एंड द जेब्रा क्रॉसिंग, तो इसके बारे में भी लिखना होगा। यहां पर फॉलो ट्रैफिक सिग्नल, इसके बारे में आपको क्या करना है, पैराग्राफ को राइट करना है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में भी आपको लिखने को बोल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं फिर यहां पर दिया गया है अवर न्यू प्रिंसिपल, ठीक है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। एनुअल डे सेलिब्रेशन, इसके बारे में भी आपको लिखने को कह सकते हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता रहा हूं 31 मार्च 2022 के पेपर में, इनमें से आपके लगभग यहां पर क्वेश्चन बनने वाले हैं, 100% बनने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं रट लीजिए, सभी जो है सब कुछ रट लीजिए। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहां पर आप देख सकते हैं द हॉस्टल लाइफ, के बारे में भी जो है आपका 100% आ सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है, बाकी अनइंपॉर्टेंट नहीं करवा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी यहां पर पैराग्राफ दिए गए हैं आप हिंट दे सकते हैं, ठीक है, ठीके? ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं यहां से स्टेंजा है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन अनेवन द फॉलोइंग स्टेंजास विद रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, ठीक है, द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। यहां पर जितने भी मैं बता रहा हूं रिस्क जो आपका जो है पोएम, उससे भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेंजा मिलेंगे इसमें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर वापस दिए गए हैं पैराग्राफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये जितने भी है द फेयरवेल पार्टी वगैरह जो है, एजुकेशनल टूर है, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पैराग्राफ के दिए गए हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लेटर एक राइट करना है आपके फ्रेंड को, यहां पर आप देख सकते हो टू अटेंड ए ग्रैंड पार्टी एट योर होम, ठीक है, तो इनविटेशन का क्या करना है आपको, एक राइट करना है, एक लेटर राइट करना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी टॉपिक है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक पर आ सकता है उम्मीद है पूरी, लेकिन आपको यदि फॉर्मेट याद है, आपको लिखने का फॉर्मेट आता है, तो 100% आपके अच्छे मार्क्स बनने वाले। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे वैसे क्वेश्चन है, तो आप एक बार उन पीडीएफ को एक बार अच्छे से देख लीजिए, बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। Thanks all of you.